से कभी पत्थर वगैरह गिरता है क्या ऊपर? गिरा था पिछले साल, तो इस बार वहाँ के ही देख रहे हैं दोस्तों, ये बिल्डिंगों में इस तरह से प्लास्टिक जगा रखा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, मरहबा दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? फाइनली दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आए हैं मुंबई के मोनोरेल पे। जैसा कि दोस्तों ये देख रहे हैं, जो ये पटरी आपको दिखाई दे रही है, ये मोनोरेल की पटरी है। और दोस्तों आज हम मोनोरेल से आपको दिखाने वाले हैं मुंबई के झुग्गी बस्तियों का नज़ारा। दोस्तों जैसा कि पता है, मुंबई मोनोरेल है जो, वो मतलब मुंबई में दोस्तों जो प्रोजेक्ट वगैरह होता है, सबसे घटिया प्रोजेक्ट कोई अगर रहा है अब तक का, वो मोनोरेल है। और उसकी वजह दोस्तों ये है कि जैसे देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे कितने बड़े स्टेशन पे आपको कोई दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन बाकी यहाँ पे शांति और सुविधाएं दोस्तों काफ़ी अच्छी हैं। बाकी यहाँ पे पंखा वगैरह चल तो रहे हैं, लेकिन बेमतलब चल रहे हैं, कोई है नहीं फिलहाल। और दोस्तों ये देख पा रहे होंगे, ये पूरा एरिया है। अभी मैं दोस्तों जिस एरिया में खड़ा हूँ, ये वासी नाका की ही तरफ का ही आता है। जैसे सामने की तरफ देखेंगे दोस्तों, वासी नाका की पहाड़ियाँ, इधर से दोस्तों देखेंगे आप पूरा इस तरह से घर वगैरह दिखाई दे रहा है। अभी फिलहाल दोस्तों हम चलेंगे इसके अंदर से, मोनोरेल के अंदर दोस्तों बैठेंगे, आपको पूरी झुग्गी वगैरह भी दिखाएंगे। फिलहाल दोस्तों अभी हम अपने मोनोरेल का इंतजार कर रहे हैं। ये दोस्तों मोनोरेल का प्लेटफार्म वगैरह है, जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, बहुत बड़ा प्लेटफार्म तो नहीं है। और देखने के बाद दोस्तों ऐसा लग रहा था यार, जैसे कि इधर पटरी वगैरह है नहीं। इसमें क्या होता है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ मोनोरेल में एक इस तरह से बना होता है रेलिंग टाइप की, और उसी के ऊपर दोस्तों ट्रेन वगैरह फिलहाल आती है। तो फिलहाल दोस्तों मोनोरेल के स्टेशन के बाहर की तरफ से देखेंगे इस तरह से व्यू वगैरह दिखाई दे रहा है। यहाँ पे दोस्तों आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग वगैरह दिखाई दे रही है, लेकिन दोस्तों जैसे ही हम थोड़ा सा भी आगे की तरफ बढ़ेंगे, आपको बहुत सारी झुग्गियाँ वगैरह भी दिखाई देंगी। और बाकी दोस्तों ये पूरा प्लेटफार्म है, जैसा कि दोस्तों अगर प्लेटफार्म देखेंगे, यहाँ पर सिर्फ इस तरह से लोहे का रेलिंग वगैरह है। और आगे की तरफ दोस्तों हम आपको दिखाएँ तो किस तरह से यहाँ का व्यू वगैरह दिखता है। सामने की तरफ से दोस्तों हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि मोनोरेल में दोस्तों किस तरह से ट्रेनें चलती हैं। अब ये सामने की तरफ दोस्तों देख पा रहे होंगे, इस तरह से यहाँ की पटरियाँ वगैरह फिलहाल बनी हुई है, जो सामने की तरफ दिखाई दे रहा है। इधर दोस्तों मुझे सबका सब नारियल का पेड़ दिखाई दे रहा है, और चारों तरफ से दोस्तों हमें बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं फिलहाल। अभी दोस्तों हम फिलहाल मोनोरेल का ही वेट कर रहे थे, करीबन यहाँ पे हमें आए आधा घंटा से ऊपर हो चुका है, और इंतजार कर रहे हैं अपने ट्रेन का। वैसे मुझे लग रहा है दोस्तों 10 से 15 मिनट के बाद ही ट्रेन आती है। एक ट्रेन अभी आई, क्रॉस कर गई, लेकिन हमने वीडियो बनाने के चक्कर में फिलहाल थोड़ा सा डिले किया है। और मोनोरेल का दोस्तों हम आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस भी करवा देंगे, क्योंकि मुंबई में जैसा कि दोस्तों पता है, तीन तरह की रेलें चलती हैं, लोकल ट्रेन, मेट्रो एंड मोनोरेल। मोनोरेल की दोस्तों अगर आप पटरियाँ देखेंगे, तो आपकी इस तरह से पटरियाँ होती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ दोस्तों कहते नहीं है, बस एक दीवार होती है, दीवार के किनारे किनारे से इस तरह से पूरा रेलिंग वगैरह होता है। मतलब आप किस तरह से दोस्तों ये इसका मैकेनिज्म होता है, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन दोस्तों मैं बेसिक तौर पे ये सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। फटाफट दोस्तों अभी हम चलते हैं रेल के अंदर, बैठते हैं, और रेल के अंदर से दोस्तों हम आपको जगह दिखाते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर दोस्तों हम उतरेंगे वासी नाका, उसे वासी नाका का ही एरिया है, लेकिन दोस्तों अभी हम थोड़ा सा पीछे की तरफ है, एक स्टॉप आगे दोस्तों वासी नाका है। वासी नाका दोस्तों एक बहुत ही बड़ी झुग्गी एरिया है, जहाँ पे लोगों का जीवन दोस्तों पटरियों के किनारे वगैरह बीतता है। वो सारी चीज़ें दोस्तों हम फिलहाल आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि ये देख सकते हैं, इस तरह से मोनोरेल के ऊपर से झुग्गियाँ वगैरह दिखती हैं। बाकी दोस्तों सामने की तरफ देखेंगे, ये सारी पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों पे दोस्तों लोगों का घर इस तरह से बना हुआ है, जैसा कि देख पा रहे हैं ये सीन। बाकी दोस्तों ये जो इसके अंदर बैठने की फीलिंग आ रही है, डुगुर 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 रिक्शा नहीं करता है, उस तरह का दोस्तों इसके अंदर से फीलिंग आ रहा है। फिलहाल दोस्तों इस तरह के कुछ सीन्स हैं जो मैं अभी इसके अंदर से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिलहाल दोस्तों अभी मैं नीचे भी जाऊँगा, और ये आखिरकार स्टेशन। तो फिलहाल दोस्तों जैसा कि मैं अभी महाडा कॉलोनी की तरफ जा ही रहा था, उन पहाड़ियों की तरफ जा रहा था, यहाँ का दोस्तों इस तरह से देखेंगे मच्छी मार्केट है, ये आगे की तरफ तक भी है, ये पूरा इस तरह से महाडा कॉलोनी वगैरह है। मच्छी मार्केट दोस्तों बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही है, लेकिन अभी के टाइम पर मुझे लग रहा है ये जो बंद कर रहे हैं। अच्छा भाई, अभी बंद हो रहा है क्या ये मच्छी मार्केट? चालू हो रहा है। अच्छा अभी चालू हो रहा है, कितने बजे से चालू होता है ये? इन लोग का वही 5-6 बजे का टाइम चालू होता है, फिर रात में 7-8 बजे तक चालू रहता है, ऐसा सिस्टम। अच्छा अच्छा, हाँ तो यहाँ पे सब मच्छी मिलेगी, सारी मच्छियाँ मिल जाती है।
तो फिलहाल दोस्तों इस तरह से यहाँ की मच्छी मार्केट है। कौन सी मच्छी है ये? एक ही काटा रहता है। अच्छा, इसमें एक ही काटा रहता है ना, और ये केकड़ा है। और बाकी वाली कौन सी मच्छी अंकल? मानदेही है। तो फिलहाल दोस्तों इस तरह से यहाँ मिल जाएगी हर वैरायटी मच्छी मिल जाती है। और अभी ये दुकान चालू हो रहा है क्या आंटी? अभी सब चालू हो रहा है ना। तो फिलहाल दोस्तों अभी यहाँ पे देख पाएंगे इस तरह से अभी दुकान चालू होना स्टार्ट हुआ है। इस तरह से यहाँ पे मच्छी वगैरह की दुकान, यहाँ पे भी दोस्तों बहुत सारी। ये कौन सी मच्छी आंटी मैडम? ये मच्छी का ये हलवा है क्या? अच्छा, ये एकदम अनोखा केकड़ा है। देखो जिंदा नहीं है ना, मर चुका है ना। पैर देखो मच्छी कितना बड़ा है। तो फिलहाल दोस्तों इस तरह से यहाँ की मच्छी मार्केट है जो मैं अभी आपको दिखाया। और किसी को आना है तो बस स्टॉप भी है। अच्छा, बस स्टॉप भी है ये क्या? हाँ, तो सामने की तरफ दोस्तों बस स्टॉप है। जैसा कि दोस्तों अभी आपको पता ही है हम लोग आए थे मोनो रेल से, तो इस वजह से हम लोग पूरा ट्रैकिंग करते हुए आपको ये जगह दिखाते हुए आए थे। बाकी दोस्तों यहीं पर बस स्टॉप भी है, यहीं से हमें बस मिल जाएगी सीधा कुर्ला स्टेशन तक। स्टेशन तक कुर्ला स्टेशन से वासी नगर का पकड़ेंगे तो यहाँ आएंगे। अच्छा अच्छा, और यहाँ से जाना है तो फिर कुर्ला स्टेशन कहीं भी जा सकते हैं। जा सकते हैं ना, मतलब बस स्टॉप यही है। हाँ, ये देख सकते हैं ये पूरा महाडा कॉलोनी है। महाडा कॉलोनी की दोस्तों अगर खासियत की हम बात करें, ये गवर्नमेंट कॉलोनियाँ होती है ना अशफाक भाई? हाँ, ये पूरी गवर्नमेंट कॉलोनी होती है ना, और ये उनको ही मिलता है जिनका मतलब जैसे कि कहीं से जब गवर्नमेंट घर वगैरह टूटती है। हाँ, जैसे क्या रहता है ना, जैसे किसी का झोपड़ा है कहीं। हाँ, हाँ, कोई भी एरिया में हो तो उनको क्या होता है, जैसे उन लीगल जमीन नहीं है जो भी है सरकार के जमीन पे कब्जा करके है, तो वो लोग क्या करते हैं ना, एक ऐसे कॉलोनी बनाते हैं जैसा ये है, तो फिर उधर पे क्या करते हैं उनको घर फोटो पास वास जो भी प्रूफ रहता है उसके थ्रू उनको घर यहाँ पे मिलता है लॉटरी के बिना पे। जैसे लॉटरी निकलती है। अच्छा अच्छा, तो जैसे बिस्सी उस्सी होता नहीं सिस्टम। हाँ, 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 तो वैसा लॉटरी उड़ाते हैं वो लोग। अच्छा, लिख के चिट्ठी। हाँ, हाँ, तो वो जिसका जो फ्लैट मिला वो इसमें मिल जाता है। अच्छा, इसमें मिल जाता है। हाँ, यार ये महाडा कॉलोनी भी यार पूरा एकदम घटिया, मतलब एक बार उन्होंने दे दिया इसको, दे दिया तो फिर उसके बाद फिर आपकी रिस्पांसिबिलिटी है मेंटेन करना। उनकी रिस्पांसिबिलिटी कब तक रहती है? 10 साल तक। 10 साल तक? 10 साल तक वो लोग देखेंगे करेंगे। हाँ, बस उतना ही रहता है, उसके बाद में अपनी गारंटी है। भरो सब करो तो मेंटेन रहेगा, नहीं तो फिर ऐसा प्लास्टिक लगेगा। अरे वाकई देख रहे हैं दोस्तों, ये बिल्डिंगों में इस तरह से प्लास्टिक लगा रखा है। अच्छा अशफाक भाई, ये प्लास्टिक क्यों लगा रखा है कुछ बताएंगे? पानी जाता होगा ना, जैसे घरों के अंदर पानी जाता होगा, बारिश होती होगी ना, पानी जाता होगा। अच्छा, इसमें मेंटेन नहीं करते होंगे, मेंटेन नहीं करते होंगे ना इस वजह से। तो फिलहाल दोस्तों कुछ इस तरह से देख रहे हैं गवर्नमेंट कॉलोनियों का हाल हुआ। फिलहाल दोस्तों इस तरह से कुछ इन कॉलोनियों का हाल था। अभी दोस्तों हम चलते हैं पहाड़ पे, वहाँ की भी जिंदगी वगैरह दिखाने की आपको कोशिश करते हैं। हाँ दोस्तों, अभी आप देख पा रहे होंगे ये जो आपको सामने का पूरा एरिया दिख रहा है, ये पूरा महाडा कॉलोनी है। और अभी दोस्तों हम इसी एरिया से होते हुए पहाड़ की तरफ जाने वाले हैं। बाकी दोस्तों आप यहाँ का मार्केट वगैरह देखेंगे, इस तरह से यहाँ पे आपको दोस्तों दुकान वगैरह फिलहाल मिल जाएगा। यहाँ पे एवरीथिंग आपको अवेलेबल है, मतलब काफ़ी अच्छा एरिया है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको होटल वगैरह दिखेगी, जूस की दुकान दिख जाएगी। इधर भैया लोग इस तरह से अपना कहते हैं क्या आइटम है दोस्तों, इस तरह से सब कुछ सेलिंग वगैरह करते रहते हैं। बाकी जूते वगैरह की दुकान है, मतलब ये पहाड़ की तरफ भी जाने के टाइम पे दोस्तों आपको एवरीथिंग मतलब ऑप्शंस उपलब्ध हैं। और फिलहाल दोस्तों अभी हम इसी से होते हुए अभी सामने की तरफ चल रहे हैं पहाड़ी की तरफ, और वहाँ पर कोशिश करेंगे दोस्तों लोगों से बातचीत हो सके, उनके जनजीवन के बारे में दोस्तों हम जान सके। क्योंकि आप भी सोचिए दोस्तों, मुंबई जैसी जगह पे पहाड़ पे रहना, और वो भी मतलब वो कहते ना झोपड़पट्टी टाइप का बना के रहना, तो रिस्क से भरा हुआ होता है। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों लोगों को जगह की दिक्कत की वजह से लोग ऐसे जगह रहते हैं। ये दोस्तों मेरा अपना ओपिनियन है, वैसे आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि लोग क्यों पहाड़ पर रहते हैं। जगह की जो दिक्कत होगी, अगर उनको सिटी शहर में रहना है, पहाड़ की साइड में थोड़ा सस्ता मिलता है कंपेयर करेंगे अदर एरिया, तो इस वजह से दोस्तों लोग पहाड़ पर रहना फिलहाल पसंद करते हैं। दोस्तों इस तरह से देखेंगे ये पूरा मार्केट वगैरह, यहाँ पे फैमिली वगैरह है। और बाकी दोस्तों सब्जी वगैरह यहाँ पे आपको फ्रेश मिल जाती है, देखेंगे ये गांव की साइड में सब्जियाँ वगैरह दोस्तों इस तरह से फ्रेश वगैरह मिलती रहती हैं। बाकी इधर देखेंगे इस तरह से लहसुन वगैरह, उधर सेब वगैरह बेचा जा रहा है। वो मार्केट वगैरह दोस्तों छोटा मोटा मार्केट नहीं है यार, काफ़ी बड़ा मार्केट है ये, पूरा महाडा कॉलोनी है दोस्तों। तो आप लोग इधर ही रहते हैं क्या सर? अच्छा, इधर ही रहते हैं आप लोग, लोकल हैं सर या मतलब बाहर से आए हुए हैं? आप कहाँ के हैं सर? यूपी। यूपी में कहाँ से? आजमगढ़। हम जौनपुर से हैं सर। अच्छा, तो आप सर अभी यूपी से ही हैं? अच्छा अच्छा, तो बेसिक तौर पे जैसे कि आप लोग यहाँ पे रहते हैं, तो यहाँ पे मतलब किस तरह के ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं जैसे ये पहाड़ी वाले एरिया में, मतलब कुछ है लगता है जैसे पानी वगैरह की समस्या हो या पत्थर वगैरह की? पानी की समस्या? हाँ हाँ,
नहीं है ना, पानी की समस्या नहीं है। अच्छा अच्छा, बहुत पानी आता है, पानी वगैरह बराबर है ना यहाँ पे? बहुत बहुत। बाकी और कोई तरह की दिक्कत वगैरह? और कोई तरह की दिक्कत तो नहीं है, सिर्फ इतना होता है कि मतलब टॉयलेट का दिक्कत है कि टॉयलेट मतलब टूट चुका है, रिपेयर नहीं। अच्छा, यहाँ पे बाथरूम वगैरह सबके पास है कि नहीं है? नहीं, सबके पास नहीं है। सबके पास नहीं है, सार्वजनिक बना हुआ है। सार्वजनिक बना हुआ है, सार्वजनिक मतलब ज्यादातर जो पहाड़ के लोग हैं सार्वजनिक ही यूज करते हैं। सब वही सब वही काम सार्वजनिक यूज करते हैं ना। तो और बाकी किसी तरह की समस्या है? नहीं, यहाँ चुके सर। आप लोग यहाँ पे जॉब करते हैं, काम करते हैं कहीं? आप यहीं पे काम करते हैं? सब सभी लोग यहीं पे काम वगैरह करते हैं। अभी आज छुट्टी है क्या, इस तरह से पूरा मीटिंग में बैठे हुए हैं? आज इसे गांव वगैरह में अपने यूपी बिहार में पूरा एक मतलब ग्रुप बैठ जाता है, मस्त चाय पी रहे हैं। मैडम चाय भी है क्या इनके पास? नहीं, पान है, सिर्फ पान है क्या? पान उन्होंने तो ओके अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल दोस्तों, जैसा कि अभी आपने देखा, हम मोनो रेल से सफ़र करते हुए दोस्तों इधर की तरफ आए हैं, और ये एरिया का नाम दोस्तों वासी नाका है। छोटू, इस भैया इस एरिया का नाम क्या छोटू? महाड़ा। महाड़ा, ये वो महाड़ा है ना, ये एरिया का क्या नाम है? ये है न्यू भारत नगर। न्यू भारत नगर, आप इधर ही रहते हैं क्या? हाँ। पहाड़ी के ऊपर रहते हैं क्या? नहीं, सामने ही रूम है। अच्छा, सामने ही रूम है। बाकी इधर पहाड़ी वगैरह पे लोग रहते हैं तो कोई दिक्कत वगैरह नहीं होती क्या इनको? नहीं नहीं होती ना, मतलब जैसे कभी पत्थर वगैरह गिरता है क्या ऊपर? तो गिरा था पिछले साल, तो इस बार उन लोग को माहौल में रूम दिया गया, बिल्डिंग में। किसमें दिया गया? अच्छा, माहौल में रूम दिया गया। अच्छा, यहाँ से खाली करा के बिल्डिंग में दे दिया गया। अच्छा, काफी टाइम से लोग यहाँ पे रहते हैं क्या? हाँ, बहुत पहले से। बहुत पहले से रहते हैं ना। ओके, आपका नाम क्या छोटू? मोहित। मोहित, थैंक यू मोहित भाई। आप अभी पढ़ के आ रहे हैं, किस क्लास में वैसे आप? 11th में। 11th में हैं, अरे वाह यार मोहित भाई, तब तो आपसे मिलकर हमें काफ़ी अच्छा लगा। चलिए फिर मोहित भैया, ओके। तो फिलहाल दोस्तों, जैसा कि अभी आपने देखा, मोहित भाई हमको बता रहे थे, और अभी फिलहाल दोस्तों हम इसी एरिए में इसी पहाड़ियों पे जाने वाले हैं, और वहाँ पे जिंदगियाँ भी दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि दोस्तों ये पहाड़ देख रहे हैं, ये पहाड़ के ऊपर चारों तरफ से दोस्तों घर वगैरह बने हुए हैं। और दोस्तों अभी मैं थोड़ी देर पहले मोनो रेल से जब आ रहा था, जो मेरा उसमें खतरनाक एक्सपीरियंस हुआ, वो ट्रेन कहते हैं डग 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 डग, हम लोगों का जब दोस्तों साइकिल होता है ना, साइकिल जब वो साइकिल नहीं पंचर नहीं होता, हाँ पंचर भी हो जाता है तो डग 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 करता है, या तो डायल हो जाता है। जो गाँव से होगा दोस्तों इस बात रिलेट कर पाएगा कि डायल क्या होता है, तो डायल हो जाता है। तो मोनो रेल भी दोस्तों कुछ इसी तरह का मेरा फिलहाल एक्सपीरियंस था। बेशक दोस्तों अभी वो सारे जो भी एक्सपीरियंस थे वो तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा ही, लेकिन फिलहाल दोस्तों अभी हम पहाड़ की तरफ चलते हैं। बाकी यहाँ पे दोस्तों अगर कोई मुझे दिखता है तो उनसे हम बातचीत भी करते हैं कि यहाँ पे जिंदगियाँ कितने रिस्क में हैं और किस टाइप से लोग यहाँ पे जिंदगी वगैरह जीते हैं। तो फाइनली दोस्तों अभी हम थोड़ा सा चलते हैं पहाड़ी की तरफ। तो फिलहाल दोस्तों इस तरह से पूरा रास्ते हैं, सीढ़ियाँ वगैरह जो कि मैं अभी आपको दिखा पा रहा हूँ। ये दोस्तों जो पूरे घर वगैरह हैं, ये पूरे पहाड़ पे बने हुए घर हैं, देख पाएंगे। तो फिलहाल दोस्तों अभी हम नीचे की तरफ जा रहे हैं पहाड़ से। अभी देखा कि दोस्तों हम टॉप तक गए थे, वहाँ पे आपको सीन वगैरह दिखाएं। इस तरह से दोस्तों पूरे ढलान है, सीढ़ियाँ भी नहीं है दोस्तों, पूरी ढलान टाइप की जगह है। थोड़ा सा रिस्क तो रहता है दोस्तों स्लिप वगैरह करने के, लेकिन फिलहाल दोस्तों लोगों की यहाँ पर मजबूरी वगैरह भी होती है। ये दोस्तों रास्ते बहुत ही खराब है, और इस तरह से जो इसकी उतरने की वो है भाई, अगर ये थोड़ा सा भी यहाँ पे काई नहीं होती दोस्तों, काई लगी हुई है और बहुत ही खतरनाक तरीके से स्लिप कर रहा है। फिलहाल दोस्तों इस तरह से यहाँ पे लोगों के घर होते हैं। बाकी पानी के इंतजाम वगैरह देखिए। देखो भाई, अगर तो फाइनली दोस्तों अभी हम आ चुके हैं वासी नाका में। जैसा कि दोस्तों अगर ये देख पाएंगे, ये पूरी वासी नाका की पहाड़ियों पर इस तरह से घर वगैरह बना हुआ है। और बाकी दोस्तों सामने की तरफ देखेंगे, ये पूरी पहाड़ी है यार, वाकई काफ़ी रिस्की जगह है यार दोस्तों। ऊपर पहाड़ी है, नीचे इस तरह से घर बनाया है, अगर दोस्तों ऊपर से एक भी पत्थर वगैरह गिरेगा, इनका घर दोस्तों पत्थरे का है, इनके घर के अंदर भी दोस्तों पत्थर वगैरह आ सकता है। फिलहाल दोस्तों इसी तरह से पूरा यहाँ पे घर बना हुआ है, और इधर की दोस्तों आप गलियाँ देख सकते हैं इस तरह से। बाकी इधर का रास्ता देखिए, इस तरह से दोस्तों पूरा रास्ता है, पूरा नीचे की तरफ देखिए दोस्तों, इस तरह से बहुत ही ऊंची जगह है। आपको देखने में दोस्तों ये छोटी जगह भले लग रही हो, लेकिन यहाँ तक आने के लिए दोस्तों हमें काफ़ी लंबा ट्रैकिंग करके आना पड़ा है ये ऊपर की तरफ में। और अभी दोस्तों फिलहाल हम ऊपर तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इसके आगे रास्ता ही नहीं है और ये सिर्फ मिट्टी मिट्टी है। तो इसके लिए दोस्तों अभी हमें इसी रास्ते से होते हुए नीचे की तरफ जाना पड़ेगा।
तो फाइनली दोस्तों जैसा कि मैं अभी पहाड़ पे गया, पहाड़ की जिंदगी वगैरह दिखाया, वापसी से दोस्तों मैं अभी बस स्टैंड पे आ चुका हूँ। और बाकी दोस्तों अब इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगेगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों इस वीडियो, तब तक ये दोस्तों असलम नमस्कार सत्या मर हम फिर मिलेंगे।